जो है वो एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाई कोर्ट और धनबाद बार के बीच है। मैच का पर्पस है कि हम लोग सिर्फ कोर्ट में अपना पूरी एनर्जी लगाते हैं तो रिलैक्स हम कहाँ करें। तो अब मेरे समझ से जो ग्राउंड होता है वो रिलैक्स करने का बेस्ट प्लेस है, इसलिए आज हम लोग धनबाद और हाईकोर्ट के बीच ये मैच और मैच कर रहे हैं। आज जो ये मैच हमारे वकील आज क्रिकेट के मैदान पर चौका छक्का लगाएंगे और ये बहुत अच्छा मौका है, एक दूसरे को जानेंगे और आने वाले समय में इस टूर्नामेंट का स्तर जो है राज्य स्तरीय करने का विचार है और आप लोग के सहयोग से सबके प्रयास से इसको हम लोग सफल। ये रोमांचक मुकाबला आज होने जा रही है, टॉस मैच हो रहा है, ये झारखंड हाईकोर्ट का शुरुआती मैच है जो कि धनबाद एडवोकेट एसोसिएशन और झारखंड इसके बाद फॉर प्ले के बाद सेकंड फॉर प्ले इसमें पांच अलग सकते हैं हमारा सर्किल के, ठीक है, नहीं भी रखेगा तो भी चलेगा उसका मतलब अपने अकॉर्डिंग। हाँ, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, उससे ज़्यादा होता है तो पांच से बाद एनी टाइप ऑफ नो बॉल इफ एम्पायर कॉल्स नो बॉल दैट मींस इट्स नो फ्री। तो बाकी जितना भी ऐसे कोई भी कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिए। जी सर, नो एक्सेसिव अपीलिंग और वो प्लेयर से परिचय करेंगे उसके बाद मैच चालू किया जाएगा, इसलिए सभी खिलाड़ी तैयार रहे। जैसे ही टॉस संपन्न होगी उसके बाद आप सेंटर में विकेट के बगल में ठीक करेंगे और हमारे चीफ गेस्ट आपके बीच जाएंगे और परिचय प्राप्त करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन रहेगा पूछ लीजिए। मैच की शुरुआत की जाएगी, का नाम शहबाज सलाम, कौन कैप्टन ऑफ धनबाद बार एसोसिएशन क्रिकेट टीम। जी, आपने टॉस जीता है। जी, हमने टॉस जीता और फील्डिंग करने हैं। क्या कारण था फील्डिंग ले रहे हैं? फील्डिंग ले रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, नया पिच है, पिच में नमी है, इस वजह से। साथियों, आज मुगमा क्षेत्र के इस प्रभातम स्टेडियम में हमारे यहाँ उपस्थित रांची बार एसोसिएशन और धनबाद बार एसोसिएशन के सभी खिलाड़ी और उनके सहयोग में यहाँ उपस्थित सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये एक मैच जो पहली बार यहाँ पर हो रहा है, आगे भी आप यहाँ पर आए और मुगमा क्षेत्र के स्वागत करने का मौका दें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस मैच को संपन्न करें। हारना जीतना एक अपनी जगह है, खेल है, तो कोई न जीतेगा और कोई हारेगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। हम सभी एक दूसरे का सहयोग करें और खेल भी यही सिखाता है कि जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। कोई भी गेम हो उसमें कोई एक खिलाड़ी अच्छा होता है, कोई एक खिलाड़ी थोड़ा कम अच्छा होता है, लेकिन अच्छा खिलाड़ी अगर यदि अपने चाहे अकेले अपने बलबूते पे कि हम जीत हासिल कर लेंगे तो वो कभी नहीं हासिल कर सकता। जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, पूरी टीम एक भावना से काम नहीं करेगी, तब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं इसी शुभेच्छा, विश्वास और उम्मीद के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि जीत हार से मतलब नहीं, एक फ्रेंडली मैच, एक टीम भावना के मैच से गेम को खेला जाए और उत्साह मनाया जाए। सभी का पुनः हम आज के मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करते हैं, धनबाद बार के सभी पदाधिकारीगण और जो वरीय अधिवक्ता यहाँ पे वरीय अधिवक्ता उपस्थित हैं सभी का अभिनंदन करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। आज हम लोग बढ़िया क्रिकेट देखें, यही उम्मीद है। 10 10
बजे मैच शुरू होगा, उसके पहले दोनों टीम जो है वो जहाँ बैनर है अपना ग्रुप फोटो टीम पहले अपना करा लेगी, बाकी लोग उसमें और लोग उसमें ऐड हो जाएंगे बाद में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं, आज देखते हैं धनबाद की टीम अपने टीम के लिए टॉस जीतकर कृष्णा जी क्या योगदान दे पाते हैं विकेट। शशांक यशराज के आउट होने के बाद शशांक आए हैं अपने टीम का ये पावर प्ले का इशारा अंपायर के द्वारा। दूसरा यशराज ने अपना विकेट यहां पर खोया। व्यक्तिगत गेंदों में 14 गेंदों में 19 रन बनाया यशराज ने, रन एक विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर समाप्ति के बाद पावर प्ले यहां पर समाप्त होता हुआ। जैसा कि नियम है कि आप पावर प्ले खत्म होने के बाद 5 फील्डर बाहर रख सकते हैं सर्कल के। हुआ अंकित सातवां लेकर आए ओवर और लंबा हिट लगाने का प्रयास था अंकित के द्वारा लेकिन चूके। बल्ले का संपर्क नहीं करा पाए बॉल से। अच्छी शॉट यहां पर कवर के दिशा में लगाया लेकिन एक ही रन। सुभाष चंद्र आए हैं 8वां ओवर लेकर। सामने खोले था अच्छी बल्लेबाजी। शशांक अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करते हुए चतुराई भरी गेंदबाजी यहां पर चलता हुआ। चंद्रा टीम के लिए 10वां ओवर और व्यक्तिगत 3रा ओवर लेकर आए हैं। काफी सफल गेंदबाज रहे हैं अभी तक। 3 विकेट जो
उनको सफलता मिली है 3 विकेट की। और अच्छी बल्लेबाजी साहिल के द्वारा अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए एक हटमैन एरिया और डीप पॉइंट में एक फेलियर। अच्छी शॉट यहां पर लॉन्ग ऑफ के दिशा में लगाया हुआ, एक रन आसानी से मिल गया यहां पर। अच्छी गेंदबाजी, शायद ये भी कैच ही था और अच्छी गेंदबाजी यहां पर, ये एक और कैच छूटता हुआ परवीर कृष्णा जी के हाथों से। एक समय के लिए हैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट से और टीम को उम्मीद उनसे काफी है। थोड़ी निराश होते हुए गेंदबाज सुभाष भैया, जैसा कि दर्शकों को बता दें आज सुबह में टॉस धनबाद बार एसोसिएशन ने अरे इधर भी ऐसे था और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी और लंबे हिट का प्रयास था लेकिन अंदरूनी किनारा लिया बल्ले का और फाइनली के दिशा में एक रन मिलता हुआ यहाँ पर। और 10 ओवर समाप्ति के बाद रनों की कुल संख्या 55 रन। यहां पर ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, काफी अच्छी प्रदर्शन अभी तक क्रिकेट में देखने को मिला दोनों ही टीम के तरफ से। ये लोग काम में और 2 अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहां। फिर से तीसरा फाइट आसानी से अब लंबा हिट लगाएंगे, उन्हें आउट होने का डर नहीं रहेगा। जैसा कि नियम के अनुसार सिर्फ आप रन आउट हो सकते हैं, उसके अलावा किसी भी प्रकार का। जी हाँ, ये आई देख के दिशा में भारी, देख पाएंगे इस 3 हिट बॉल पे। वाइड के रूप में यहां पर और लंबा हिट लगाने का प्रयास देख रहा है। जी हाँ, यहाँ पर विकेट मिलता हुआ एक कमजोर गेंद पे, फुलटॉस गेंद से लंबे हिट का प्रयास था और सीधे बॉल थमा बैठे फील्डर के हाथ में और ये यहाँ पर 4th विकेट गिरता हुआ। एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट टीम का ये 4th पतन 11वें ओवर में। संजय गेंदबाज शशांक शेखर, अभी आप क्रीज पर 2 शशांक देखेंगे। एक शशांक सौरभ और ये शशांक शेखर, दोनों ही शशांक हैं। अभी जो स्ट्राइकर पर जाएंगे शशांक शेखर है और नॉन स्ट्राइकर पर अभी शशांक सौरभ है।
नो बॉल का इशारा यहाँ पर और उठा कर मारा है, देख रहे हैं एक रन यहाँ पर मिल पाया। फुल टॉस बॉल थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज शशांक शेखर। स्ट्राइकर पर शशांक सौरभ, अच्छी शॉट यहां पर कवर की दिशा में लगाया गया, देखना है यहां पर। और ये अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर दिखाया है धनबाद बार एसोसिएशन के फील्डर। करण कुमार आए हैं गेंदबाजी के लिए और ये अच्छा शॉट कवर के ऊपर, 6 रन मिड ऑफ और कवर के लोगों और कवर के बीच में लगाया गया ये छक्का, बहुत ही अच्छा शॉट देखने को यहां पर मिला शशांक सौरभ के बल्ले से, ये 6 रन निकलता हुआ। बारहवां ओवर रनिंग है करण, और अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रहा है शशांक, दोनों शशांक के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी चलता हुआ यहां पर, रनों की कुछ संख्या बढ़ती हुई यहां से। अच्छी शॉट फिर से लगाया गया ये कवर की दिशा में और अच्छी बेहतरीन यहां पर क्षेत्र रक्षण, अपने टीम के लिए 2 रन बचाए उन्होंने, 2 रन पे ही बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा एफर्ट लगाया उन्होंने, 100% एफर्ट दिया। क्या वो लगा क्या कैच ले सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी क्षेत्र रक्षण टीम के लिए उन्होंने लगभग 3 रन तो जरूर बचा लिए, एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। 12 ओवर समाप्ति के बाद रनों का स्कोर, रनों की संख्या है 78 रन। निजी ये अपना अंतिम ओवर लेकर आए हैं सुभाष चंद्रा, और ये बहुत बढ़िया लॉन्ग ऑन के दिशा में खेला हुआ ये शॉट। आराम से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विकेट, बॉलिंग वेल बॉल। सेवन 5 विकेट के नुकसान पर मिड ऑन में एक फील्डर मौजूद, एक अच्छी शॉट यहां पर
कवर एरिया में लगाया गया ये शॉट, दो रन आसानी से प्राप्त किए बल्लेबाज ने। बल्लेबाज योगेश बहुत ही सूझबूझ के साथ अच्छा शॉट सिलेक्शन है, अच्छी शॉट और इसे मारा स्क्वायर लेग की दिशा में। देखना है मिड विकेट के फील्डर वहां पे फील्डिंग करते हुए, लेकिन जब तक वापस आ और ये अच्छा कैच यहाँ पर सुलगते हुए योगेश के रूप में ये विकेट गिरता हुआ, छठे विकेट का पतन। सॉरी शशांक के रूप में ये विकेट गिरता हुआ, शशांक शेखर। मिस्टर लिंग शानदार चारन हेलो की लगातार अच्छी गेंदबाजी यहां पर, अब पे हिट लगाने के प्रयास था आशीष। नो बॉल का नो बॉल और चार रन। जी हाँ, ये टीमर के रूप में अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया। यहाँ पर पांच रन मिलता हुआ बल्लेबाज, क्योंकि गेम में वो रन आउट छोड़कर कोई भी आउट नहीं होंगे। जी हाँ, उठा कर मारा है। जी हाँ, ये कैच ड्रॉप हुआ है। ये दूसरी बार लगातार नो बॉल का इशारा, फिर से फ्री हिट का इशारा। लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहां पर। इसी के साथ ओवर समाप्ति की घोषणा, 16 ओवर समाप्ति के बाद रनों की कुल संख्या है 109 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 16 ओवर समाप्ति के बाद 109 रन बाजी कर रहे हैं। अच्छी शॉट लगाया यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर मुस्तैद वहां पर। लंबे हिट का प्रयास था लेकिन चूके। Thank you.
शानदार चौका। अठारह ओवर की समाप्ति पर 123 रन। अच्छी शॉट, शानदार चौका। शानदार चौका, 135 रन बना लिए हैं। अच्छी गेंद, और अच्छी शॉट, और ये शानदार चौका। अंतिम ओवर चल रहे हैं, लास्ट 5 बॉल्स, 5 बॉल बचे हैं। उठा के मारे हैं और ये कैच ड्रॉप। अच्छी शॉट, और ये शानदार चौका। अंतिम ओवर चल रहे हैं, लास्ट 5 बॉल्स, 5 बॉल बचे हैं। उठा के मारे हैं और ये कैच ड्रॉप। उठा के मारे हैं, ड्रॉप। इसी के साथ पूरे 20 ओवर पूरे हुए हैं। आज ये पहला मैच इस ग्राउंड पर था, इस सेशन का, इस सत्र में ये पहला मैच खेला गया मुकुमा प्रभात स्टेडियम में, जिसमें कि धनबाद बार एसोसिएशन और रांची हाईकोर्ट एसोसिएशन जो था उसका दोनों के बीच में मैच हुआ। और पहले टॉस जीतकर धनबाद ने बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया झारखंड हाईकोर्ट टीम को, और अच्छा मैच यहां पर 145 रन यहां पर बनाए हैं रांची की टीम ने, और धनबाद को 146 रन बनाने जीतने के लिए। देखना है आगे क्या होता है।